मुझे शमिता से सबसे बड़ी शिकायत ये रही है, पहले कोई किसी ने आकर बोला तूने विशाल को अकेला कर दिया, फिर किसी ने आकर बोला तूने विशाल को अकेला कर दिया। अगर भाई और बहन है तो वो एक दूसरे को जवाब देंगे, कोई भी कितना भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज व्हाट शमिता शेट्टी एंड विशाल कोटन हैज प्रूव टू द वर्ल्ड। अरे उसने हाथ मारा ऐसे बोला, जब प्रेस ने मुझे पूछा मैंने बोला क्योंकि मेरी बहन यार माल है, शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल, बट उन्हें बुरा लगा उस वक्त ना, आप हमने भी देखा। धोखा देगा और धोखा दिया इसमें फर्क है। पूरी गेम लोग बोलते रहे विशाल धोखा देगा 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 देगा, कोई ये नहीं बोल पाया कि विशाल ने धोखा दिया। मैं वक्त आने पर गेम भी अपनी बहन के लिए पलटता, अपनी दोस्त का कसम भी निभाता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर झूठ बोलना होता तो शमिता ने जब मुझसे पूछा हाय विशाल, वेलकम टू बॉलीवुड बबल, फर्स्टली हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड। अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द एविक्शन। वेरी डिसअपॉइंटेड बोलो। What is little? अपन जो भी करता है फुल करता है, छोटा करना सीखा ही नहीं है। But were you not expecting this, especially after in the last 2 weeks, जो भी मतलब काफी कुछ हुआ है, काफी कुछ सामने आया था इसके वजह से। If the whole country was not expecting it, how do you expect me to expect it? I mean, I've been trending for the last 3 days saying bring back Vishal Kotin, which is so, I am so overwhelmed by it because I'm not a technology person, I'm technologically challenged. जब मुझे ट्रेंडिंग पता चला तो मैंने पहले पूछा भाई ये ट्रेंडिंग क्या है, तो अगर 3 दिन से ट्रेंड हो रहा हूँ तो इतना प्यार का आदत ही नहीं है यार। तो ऑफ कोर्स आई एम, इफ द होल कंट्री डिसअपॉइंटेड विद माय एविक्शन आई शुड आल्सो बी राइट। आई आल्सो वांट टू नो, आई मीन ऑफ कोर्स आपके और शमिता के जो बॉन्ड थी अंदर उसके बारे में काफी चर्चा बाहर हुई थी और आज भी शायद हो रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे भी कहीं ना कहीं लगा था कि आप शायद उस बॉन्ड का जो एक रिस्पेक्ट होता है अंदर वो शायद कहीं ना कहीं नहीं रही, ऐसा मुझे लगा। आपके पास अभी एक चांस है कि आप बताइए कि एग्जैक्टली कहाँ पे, कहीं लगता है आपको भी शायद कहीं पे आप गलत हुए होंगे, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगा है। देखिए क्या है ना कि एक भाई और बहन का रिश्ता जो होता है ना, वो बंधा होता है राखी के कच्चे डोर से, लेकिन वो लोहे की जंजीर से भी मजबूत होता है, इसलिए उन्हें भाई और बहन कहते हैं। और अगर मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसने कहा है कि उसकी भाषा ऐसी है पर मैं उसे समझती हूँ, तो मैं बाकी लोगों को जवाब क्यों दूँ? आप बताइए, अगर भाई और बहन है तो वो एक दूसरे को जवाब देंगे, कोई भी कितना भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज वॉट शमिता शेट्टी एंड विशाल कोटन हैज प्रूव टू द वर्ल्ड, कि भाई बहन को जवाब देगा, बहन भाई को जवाब देगी, दुनिया गई भाड़। जो राकेश के लिए स्पेशली जो आपने बोला था, आई नो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि कहीं ना कहीं आपकी वो लैंग्वेज है कि आप उसी तरीके से बात करते हैं इसलिए ऐसा लगा होगा, बट आपको नहीं लगता है कि इन रेट्रोस्पेक्ट जब आपको ये बताया गया तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आप गलत थे उस तरीके से बोलने के लिए? हमने जिंदगी इतनी सीमित कर ली है ना यार भावना, क्या हम हर चीज पे ऑफेंस ले रहे हैं? प्रियंका चोपड़ा ने अभी जोनस ब्रदर्स पर रोस्ट किया है पूरा, प्लीज वो भी देखा आपने? छोटी छोटी चीजों पर देखिए यार, कोविड के टाइम पर वैसे जिंदगी में इतनी तकलीफें इतनी मुश्किलें हैं भावना, अगर हम छोटे छोटे मजाक को भी उसको काट छाट कर ऐसी जिंदगी में मुश्किलें कम है जो हंसी को मुश्किलों में तब्दील कर रहे हैं। जब भारती ने यह बोला था सबसे जोर से मैं हंसा था, क्योंकि वो फनी था भाई मेरे लिए, क्योंकि उसके होंठ ऐसे बड़े लग रहे थे, तो इट्स फनी। जब कपिल शर्मा जी लोगों को रोस्ट करते हैं, जब वो दीपिका पादुकोण को बोलते हैं कि तुमने शादी कर ली मैं तो तुम पर लाइन मार रहा हूँ, तो क्या रणवीर सिंह ये बोले मेरी बीवी को इसने ऐसे बोला, एक शादीशुदा औरत को ऐसे बोला, तो हम जीना मुश्किल हो जाएगा, कॉमेडी मुश्किल हो जाएगी। तो एक रोस्ट में जब मैं 7 लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने ये तो नहीं बताया कि सिम्बा के बारे में मैंने क्या बोला, आपने ये तो नहीं बताया कि मैंने करण कुंद्रा के बारे में क्या बोला, आपने ये तो नहीं बताया कि मैंने उमर के बारे में क्या बोला, निशांत के बारे में क्या बोला, प्रतीक के बारे में क्या बोला, आपने पिक किया कि मैंने राकेश के बारे में क्या बोला। वो 7 भाइयों का एक रोस्ट था, सत्ते पे सत्ता का सीन था, उस रोस्ट में मैंने वो किया है, और राकेश खुद समझेंगे एज एन एक्टर, शमिता खुद समझी एज एन एक्ट्रेस। और अगर मैंने शमिता शेट्टी को बोला है कि अरे उसने हाथ मारा ऐसे बोला, जब प्रेस ने मुझे पूछा मैंने बोला क्योंकि मेरी बहन यार माल है, शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल, बट उन्हें बुरा लगा उस वक्त ना, आप
हमने भी देखा, अगर उन्हें बुरा लगा होता उस वक्त तो अगले दिन जिम के यहाँ पर मैंने बोला यार लेकिन अपनी बहन है तो मानना, गले लगाते हुए, वो भी देखा होगा आपने, और उसने बोला इस लड़के का मैं क्या करूं। तो भाई बहन के बीच की बात है, जब मेरी बहन मुझे समझती है, उसके वो मेरे बातों का संदर्भ समझती है, वो मेरे बातों का इरादा समझती है, उसे चाहे उसका उसकी बेस्ट फ्रेंड आके बोले, उसका मुंह बोला भाई आके बोले, उसके बॉयफ्रेंड आके बोले, उसे मीडिया आकर बोले, उसे अगर भगवान भी आकर बोले, अगर वो अपने भाई के साथ खड़ी है तो मैं दुनिया को क्या जवाब दूं और क्यों जवाब दूं। क्योंकि ना किसी भी बात का ना भावना इरादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बात नहीं। और अगर किसी मैं आपको बताता भी हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ लोग मेरे दिमाग के साथ सामने सामना नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने मेरा बातें पकड़ना शुरू कर दिया कि ये इसने ये बोला है, इसके इसकी इसकी जुबान शायद टपोरी सी है तो उसकी ये बात पकड़ लो, वो बात पकड़ लो। क्योंकि अगर मेरी बात पकड़ी जाए और मैं बोलूं कि यार आपको बुरा लगा, आई एम सॉरी, बात वही खत्म हो जानी चाहिए। उसका मुद्दा जब बनाना है तब बोलेंगे नहीं बात खत्म नहीं होनी चाहिए, इसके सॉरी से तो ये बात खत्म हो जाएगी, इसका मुद्दा बनाओ, इसको खत्म होने मत दो। तो मेरा बहुत सिंपल सा इस पूरे चीज का, जैसे आपने कहा है, दो लाइन में मैं आपको आंसर देता हूँ, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। मेरा इरादा कॉमेडी का था, वहां बैठे सारे लोग जोर जोर से हंसे हैं, करण कुंद्रा और निशान ने भी शमिता को बोल लिया है कि यार वो कॉमेडी कर रहा। दूसरी बात, शमिता शेट्टी मेरी बहन है, अगर मैं उसके सामने आज भी वो मिलेगी तो गले लग के बोलूंगा तू मेरी माल है यार, मस्त है मेरी बहन, उसको बुरा नहीं लगा, दुनिया गई भाड़ में। तीसरा, आज भी लोग तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त पे सबसे जोर से नाचते हैं, वो गाना बंद कर दो, बोलो लड़की को चीज कैसे बोल सकते हैं। तो मैं अपनी भाषा में बदलाव लाऊंगा, मैं दुनिया के लिए अपनी भाषा नहीं बदलता, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और वैसा ही रहूंगा, मेरा इरादा नेक है, भाषा गई भाड़ में। भाषा एक जरिया है अपने इरादे को प्रकट करने का, भाषा इरादा नहीं। करेक्ट, ठीक है। अभी आप जो बोल रहे हैं, मैं आई विल ऑब्वियसली, दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू से व्हाट यू फील लाइक, तो ऑब्वियसली आई एम ऑनेस्ट, नो आई एम टेलिंग यू कि अगर मेरी बात अगर आपको भी बुरा लगे तो मैं आपको बोलूंगा यार मैं ये सोच के। बट मुझे एक और चीज से दिक्कत थी, अगर मैं आपको बोलूँ तो, कि जैसे आप अभी बहन बोल रहे हैं, अफकोर्स बहन और भाई का रिश्ता, मतलब मेरे तो दो भाई हैं तो मुझे तो पता है कि वो रिश्ता अलग ही होता है, चाहे वो कितना भी लड़े कुछ भी हो, इट इज अ डिफरेंट बॉन्ड इवेंचुअली, राइट। बट फॉर मी आई वांट टू अंडरस्टैंड, एक तरफ आप उन्हें बहन बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि वो मेरी बहन है, मैं उनसे कैसे भी बात कर सकता हूँ, बट वही हमने देखा वीआईपी टास्क के दौरान, आप कहीं ना कहीं उनके पीछे से गए, आपने एक बार उनको सांत्वना दिया कि हम कि मैं आपको बाद में पूरा गेम पलट दूंगा, ये कर दूंगा, फिर वहां जाके आपने बोला कि यू नो रिलेशनशिप से बहन भाई के रिश्ते से बढ़ के मेरे लिए, तो मुझे बस वो थोड़ा सा ना वहां पे ये लगा कि आप एक तरफ उनको इतना ऐसे बोल रहे हैं कि ये मेरी बहन है, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, और दूसरी तरफ आप उन्हीं के साथ खेल खेल रहे हैं, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। मैं उनके साथ खेल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं उनसे आगे था। शमिता शेट्टी ने मुझे आकर बोला कि यार विशाल आई वॉन्ट टू गेट इन टू द वी आई पी हाउस, और मैंने कहा आपका गेम आपके हिसाब से खेलना है या मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा इस बार तेरे हिसाब से खेलते, क्योंकि शमिता के हिसाब से गेम खेलने का, शमिता हाथी है, वो सीधा चलती है यार। मैं वजीर हूँ, मैं सीधा भी चलता हूँ, लेफ्ट भी चलता हूँ, राइट भी चलता हूँ, और मैं ये बोल के करता हूँ, कोई इसमें वो नहीं, ये मेरा गेम है। तो शमिता ने मेरे को बोला विशाल गेम तेरी तरह से खेलना है, मैं बोला वक्त आने पर मैं आपके लिए गेम पलट दूंगा, ठीक है। वहां पर मैं गया तेजा को, मैंने बोला, तेजा ने बोला हाउ मच आई कैन ट्रस्ट यू, मैंने बोला तेजा मेरी फर्स्ट चॉइस तू होगी, माँ कसम, डन। दो अलग अलग चीजें हैं। अब धोखा दिया और धोखा देगा, इसका फर्क समझती हैं आप? पीके में सरफराज ने धोखा दिया नहीं था, एंड तक पता नहीं चला, एंड में पता चला कि सरफराज ने धोखा दिया ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने धोखा दिया ही नहीं। तो धोखा देगा और धोखा दिया, इसमें फर्क है। पूरी गेम लोग बोलते रहे विशाल धोखा देगा 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 देगा, कोई ये नहीं बोल पाया कि विशाल ने धोखा दिया। मैं बाहर निकलने के बाद भी तेजा ने मुझसे कहा कि विशाल को तो प्रूव करने का पॉइंट ही नहीं मिला, मुझे मैं देखना चाहती थी कि वो धोखा देगा या नहीं। मैं वक्त आने पर गेम भी अपनी बहन के लिए पलटता, अपनी दोस्त का कसम भी निभाता। मैं आपको बताता हूँ क्यों, अगर झूठ बोलना होता तो शमिता ने जब मुझसे पूछा कि विशाल तेरी पहली प्रेफरेंस क्या है, मैंने उससे कहा कि मेरी पहली प्रेफरेंस तेजा है, दिल ठोक कर कहा अपनी बहन के सामने, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसने पूछा क्यों, मैंने बोला क्योंकि एक कसम खाई है और उसको निभाना है, गेम में आगे जाने के लिए मैंने कसम खाई थी, गेम में मैं आगे बढ़ा, कसम भी निभाता था, अपनी बहन के लिए गेम भी पलटता था। जब बहन ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने बोला कि मैंने एक कसम खाई है, तू अगर मेरी बहन है तो समझ
मेरे साथ खड़े रहे, तेजा को एक बार मेरे को चूज करने दे गेम में, उसके बाद तेरा भाई तेरे साथ खड़े रहेगा। मैंने शमिता का हर बार साथ दिया इस गेम में, गेम में मैं हमेशा उसके साथ उससे आगे रहा हूँ। उसने गन्ने के टास्क में बोला कि मैं विशाल को चाहती हूँ कि जंगल से घर आए क्योंकि मुझे विशाल की जरूरत है। हर बार शमिता का मैंने साथ दिया, कभी धोखा नहीं दिया उसे। बट आई थिंक आई मीन जस्ट इन डिफेंस आई फील दैट इट इज वो इसलिए भी लोगों को और शायद हम सबको वैसा इसलिए भी लगा क्योंकि हमने आपकी पूरी गेम देखी थी जहाँ पे हमने काफी बार ये देखा था कि आप यहाँ मतलब आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ अलग बात कर रहे हैं, तो उस वजह से मतलब वो जो नीति होती है खेल की नीति होती है वो समझने में इतनी नीति आपने की या जो आई मीन यू नो इतना सब करने के बाद भी आप बहुत जल्दी बाहर निकल गए, तो ये एक्चुअली आपके लिए काम शायद नहीं किया, आपको नहीं लगता? क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या फर्क पड़ता है? मैंने जिंदगी में कभी, मैं इसी बात पर विश्वास रखता हूँ कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। भावना फल तो बाजार से भी खरीद देंगे पगली। I like the sense of यार, फल की चिंता मत कर, बाजार में फल मिलता है अपन दोनों जाके खरीद लेंगे। तो मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूँ, फल की चिंता नहीं करता। 10 out of 10 times ऐसे ही खेलूंगा, अपने दिमाग से खेलूंगा कि क्योंकि भगवान बहुत कम लोगों को ये देता है और मैंने उसका इस्तेमाल किया है। बट आपको कहीं पे भी विशाल डर नहीं लगा कि, डर नहीं बोलूंगी मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि व्हाट इफ कि मेरे रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ, क्योंकि आपके काफी फ्रेंड्स भी बने हैं अंदर, बॉन्ड्स बने हैं, कहीं ये अफेक्ट ना हो क्योंकि बाद में आकर लोग बाहर सब देखेंगे और जैसे हमने परसीव किया शायद वो भी उसे उसी तरीके से परसीव करे, हो सकता है ऐसे भी। देखिए परसेप्शन, मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ, मुझे जैसा है। मुझे शमिता से सबसे बड़ी शिकायत ये रही है, पहले कोई किसी ने आकर बोला तूने विशाल को अकेला कर दिया, फिर किसी ने आकर बोला तूने विशाल को अकेला कर दिया, फिर किसी ने आकर बोला तूने विशाल को अकेला कर दिया। यार मैं जब लोग मेरे पास बोलते थे कि शमिता शेट्टी बहुत एरोगेंट है, शमिता शेट्टी बहुत डोमिनेटिंग है, शमिता शेट्टी को ओसीडी प्रॉब्लम है, मैंने तो अपनी बहन को अलग नहीं किया ना, मैं तो हमेशा था ना उसके साथ। तो एक बार विशाल सही है गलत है घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक बार उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोल दिया होता ना तू सही है गलत है, तू मेरा भाई है तू खेल, जब लोग उसको बोलते थे ना मेरे बारे में वो हमेशा मुझे आके बोलती थी, एक बार उसने अगर लोगों को बोल दिया होता ना कि तुम इसके बारे में मत बोलो ये मेरा भाई है मैं इसके साथ खड़ी हूँ, तब मजा आता, वो उसने नहीं किया। बट उन्होंने ये चीज बोला ना मीडिया राउंड में, जो पहला वो था जो मेरा क्वेश्चन था इनफैक्ट कि आप सब पे इतना भरोसा क्यों करती है, उन्होंने एक्चुअली आप ही का साइड लिया था कि अभी तक मैं साइड लेने की बात अलग होती है और सामने वाले को चुप करवाने की बात अलग होती है। आप मुझसे शमिता शेट्टी के बारे में कुछ बुरा बोल के तो दिखाइए, क्या होता है ना आपके भी भाई हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को, साइड लेने की। अगर मैं, आप मेरी बहन है ना भावना, तो मैं अगर आपका साइड लूं, नहीं मेरी भावना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई मुझे आके भावना के बारे में बोलता है और मैं बोलूं नहीं मेरी भावना पर मुझे भरोसा है वो ठीक है, ये साइड लेने वाली बात हुई। सामने खड़े होने वाली बात क्या हुई पता है, कि मेरी बहन के बारे में ऐसा बोल मत, मेरी बहन है साले मुंह तोड़ दूंगा, ये होता है। लेकिन उनको भी थोड़ा सा शॉक तो लगा होगा ना, क्योंकि आपने जो पीठ पीछे बोला था उनके, उनको बाद में पता चला है। बातें और इरादे दो अलग अलग बातें होती है। मैंने शमिता शेट्टी के पीठ पीछे शमिता शेट्टी की बुराई में कुछ नहीं बोला, गेम में नीति बनाई है, मैंने गेम भी पलटता और कसम भी रखता। और जय के साथ मुझे जानना है, क्योंकि जहां तक हमने पहले देखा था काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, बट जो मैंने मीडिया राउंड के टाइम पे देखा, जो मतलब आप दोनों के बीच का क्या बोलूं मैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट एक तरीके से, और उसके बाद जो हमने देखा एक तरीके से लड़ाई हो गई आप लोगों के बीच में, तो ये क्या मतलब, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस? ये तो आपको उसको पूछना चाहिए, मुझे तो आज तक नहीं पता है मेरा उसके बीच में रीजन क्या है, क्योंकि आपने एपिसोड भी देखा होगा जिससे आप देख रही हैं। लेकिन आपको पता मतलब आप उस घर में रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए साथ में रहते हुए, तो आपको पता होगा शायद कि 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि जो दो मतलब जय वीरू थे वो सडनली गब्बर और जय के जैसा रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे। बहुत ये सिंपल सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बाहर आने के बाद ऐसे मैंने अभी तक पूरा देख नहीं पाया, टाइम नहीं मिला उतना, जितना देख सकता हूँ खाने के बीच में जितना टाइम मिलता है उतना देख लेता हूँ, क्योंकि आजकल तो खाने में लगाऊ तो निशांत और प्रतीक जो जय के एकदम खास दोस्त है वो बोलते हुए मैंने सुना उनको एपिसोड में कि यार विशाल ने तो कुछ इतना गलत किया ही नहीं है जय के साथ, जय क्यों ऐसा इतना भड़क रहा है।
तो पहले दिन से आप देखोगे जय वीरू की जोड़ी भी मैंने बनाई थी। जब मुझे लगा कि जय मुझसे गुस्सा है तब मुझे इफेक्ट हुआ। इफेक्ट उसी से होता है ना जिसके दिल का नाता होता है, वरना इस गेम में तो कौन किसको पूछता है, भाड़ में जा बोल के आगे बढ़ जाते हैं। मैं इफेक्ट हुआ, मैं सल्क कर गया क्योंकि मुझे, मैं उसे दिल से दोस्त मानता था। मैंने उसे 3 बार जाकर बात करने की कोशिश की, हाथ पकड़ के बिठाने की कोशिश की, वो नहीं माना। इवन इन मीडिया राउंड वो पीछे खड़ा रहकर बोल रहा था कि विशाल धोखा दिया है। मैं खड़ा होकर बोलता हूँ धोखा दिया है, आप सब तालियां बजा रहे थे। जब मैंने पूछा उससे क्या धोखा दिया है, वो उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। और यार भावना, यहाँ पर ना घर में हर कोई किसी के पीठ पीछे बोलता है, एक इंसान नहीं जो नहीं बोलता। लेकिन ना बिचिंग और डिस्कशन में फर्क है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर मैं जय के बारे में ये बोलूं कि यार जय तो खेलता ही नहीं यार, कुछ नहीं करता, उसको क्या हो गया, इतना अच्छा होस्ट है, पता नहीं क्या हो गया, ये बिचिंग नहीं है, ये डिस्कशन है। अगर आप इसको बिचिंग बनाओ, इंसान की सोच है भाई, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिस्कस करने के लिए आओ, वरना चुप्पी मार के घर में कोने में बैठना पड़ेगा जैसे जय बैठता था। और अगर मैं इस गेम का श्री कृष्ण था तो वो पितामह भीष्म था। मैं नीतियों से खेल रहा था, वो पितामह भीष्म जैसे सिद्धांतों से खेल रहा था। मैंने उसका गेम एक्सेप्ट किया लेकिन वो मेरा गेम एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जब मैंने उससे ये भी पूछा कि धोखा 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 साले तेरे को क्या धोखा दिया है, तो बोलता है जब मैं जंगल से घर में आया तूने मुझसे पूछा अब कहा गए तेरे प्रिंसिपल, 25 लाख रुपए छोड़ के आया, ये धोखा कहां से हुआ, ये तो सवाल हुआ। तो तू मेरा दोस्त था, तूने मुझसे सवाल क्यों पूछा? तो तू ऐसा दोस्त चाहता है जो फिर तू बोले तो उठे, तू बोले तो बैठे? वैसा दोस्त मैं नहीं बन सकता बॉस। मैंने बहुत बार तेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मैं अब भी तुझे दोस्त मानता हूँ क्योंकि मेरे दिल में कोई ग्रज है ही नहीं, कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है। लेकिन तू अगर मेरे सामने से आएगा तो तेरे को सामने से 10 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि विशाल विशाल है यार, उसके पास दिमाग भी है, ताकत भी है। तो तू मुझसे मत भिड़, और मैं तो तेरे से भिड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुझे अपना दुश्मन ही नहीं समझता, दोस्त तो दूर दुश्मन भी नहीं समझता। तो बाहर निकलते वक्त भी जब मैंने कविता बोली, अगर आपको याद है, मैं उसे देखकर बोल रहा था कि क्या जिंदगी में अपने दोस्तों से बिछड़कर आप हमेशा के लिए उनसे ग्रज रखते हो? क्योंकि ग्रज नहीं रखना चाहिए यार भावना, छोटी सी जिंदगी है। कोविड के टाइम में हमें सिखा दिया है कि हमने अपनों को खोया है यार, छोटी जिंदगी 4 दिन में क्या, उसमें 2 दिन के बिग बॉस की जिंदगी में क्या ग्रज रखना। ऑनेस्टली आई एम होपिंग कि आप दोनों मे बी यू कैन सॉल्व दैट differences, iron out the differences maybe now when you are because both of you are evicted, so hopefully you can iron out the differences. मेरे पास काफी टाइम नहीं है। बाहर आकर उसने वो मुझसे गले मिला और मेरे को बोला यार अंदर ही छोड़ देना। मैंने बोला मेरे तरफ से कुछ नहीं भाई, तू अंदर छोड़ देना, मैं तेरे से गले ही मिल रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम द लास्ट। चलो, सो लास्टली नाउ आई वांट टू नो, बिकॉज़ आपके इतने बॉन्ड्स है, इतने रिलेशनशिप्स है अंदर, बट अगर आपको एक पर्सन चूज करना हो जिसे आप सपोर्ट कर रहे हो बाहर से अब, तो वो कौन होगा? एज माय सिस्टर मैं शमिता को सपोर्ट करूंगा क्योंकि बहन भाई का रिश्ता वैसा ही है जैसा होना चाहिए। एज अ प्लेयर मैं उमर रियाज को सपोर्ट करूंगा क्योंकि उसका गेम मेरी तरह का है। ये जो वाइल्ड कार्ड आए ये सारे के सारे विशाल कोटियन के लिए आए थे, पर अब वो मेरी बहन को अटैक कर रहे हैं मेरा ग्रज लेकर। बाहर सब बोल के आए थे कि विशाल कोटियन की वाट लगाने जा रहे हैं, वाट लगाने जा रहे हैं, पर अब मेरी बहन के साथ उसका भाई नहीं है तो सारे इल्जाम उस पर लग रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा था मुझे मैंने जब प्रोमो देखा कि मेरी बहन के साथ मैं खड़ा नहीं हूँ, क्योंकि शमिता का एक स्टैंडर्ड है, वो एक स्टैंडर्ड पर जाकर रुक जाएगी, यू नो, फिर वो जवाब नहीं दे पाती, फिर वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन सब मैं होता तो उनको बताता कि साला क्या ना, शेर जब पिंजरे में होता है तो चने मारना आसान होता है, कभी शेर का सामना खुले जंगल में करके दिखाओ। तो ये सब देवलीना और द गैंग जो आए हैं, जो पापा 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 बोलते हैं, उनकी बोलती बंद करवाने वाला विशाल कोटियन वहां नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बोल रहे, वरना इनको पता चलता कि गेम क्या होता है। चलो अब आगे हम देखेंगे क्या हो रहा है बिग बॉस में, बट थैंक यू सो मच विशाल फॉर टॉकिंग टू मी। लव यू, होपफुली, थैंक यू सो मच।